हमारे साथ मौजूद हैं गोला के विधायक चौधरी ईश्वर सिंह, जिन्होंने हल्का गोला में अपने पहले कार्यकाल में जहां अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए, वहीं अब जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है उसमें भी इनके द्वारा विकास कार्यों की एक बार फिर से सौगात शुरू कर दी गई है। और इसी सौगात के चलते जहां चक्कू गाँव में एक कॉलेज मिला, वहीं चीका में 31 वर्ष पुरानी मांग जो बस स्टैंड की चली आ रही थी वो भी स्वीकृत हो गई है। चौधरी साहब, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। धन्यवाद, शुक्रिया। चौधरी साहब, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था गोला के लिए, वो क्या रहा है? गोला एक बहुत पिछड़ा इलाका रहा है और इसके अंदर सुविधाएं जो थी नगण्य थी, ना बराबर थी। पहले मैं MLA बना तो उस टाइम मैंने सब डिवीज़न, बिजलीघर, राउस बोर्ड कॉलोनी, कॉलेज, उसके अंदर मैंने जो है ना म्यूनसिपल कमेटी, काफ़ी कुछ जो है ना प्रोग्रेस उस टाइम हुई है। उसके बाद अब मेरे ये काफ़ी दिनों से ये दिमाग में बात थी कि काम करने का दोबारा मौका मिला है तो लोगों की जो चीज़ें रह गई हैं और काफ़ी अरसे से पेंडिंग हैं जो प्रोजेक्ट वो बनाए जाएँ। तो पहला बस अड्डा था, 1990 में पुराना बस अड्डा बना था और वो अब 31 साल हो गए, वहाँ कोई ना बस गई ना कोई यात्रियों की सुविधा रही, उसको मान्यता ही नहीं मिली, दिशाहीन था। तो अब विधानसभा में मेरा सवाल था, उसका जब सरकार ने जवाब दिया और आश्वासन ही नहीं तो ये स्वीकृत भी प्रधान जल्दी कर दी जाएगी, तो चीफ मिनिस्टर ने यस कर ली। छोट साहब, आपने एक समय में चौधरी देवीलाल जी के साथ काम किया, अब उनके पड़पोत्र के साथ काम कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी के साथ कर रहे हैं, क्या डिफरेंसेस उस समय के और इस समय के रहे हैं? डिफरेंसेस तो समय समय के सभी होते हैं, एक समय एक जैसा कभी ना रहा, ना कोई खड़ा होता, समय का परिवर्तन तो नियम है प्रकार कुदरत का। तो उसके हिसाब से वो जो थे वो ज़माने के हिसाब से अच्छे नेता थे, वो तो बहुत लोकप्रिय थे, उनका रुतबा न्यारा था, तभी तो उनको उप मुख्य प्रधानमंत्री बनाया था और कई अच्छे उन्होंने हरियाणा की जनता को उपहार दिए हैं। ये पेंशन है आज जो मिल रही है, ये उन्हीं की देन है। बाकी दुष्यंत जी के बारे में आपने पूछा कि दुष्यंत तो एक होनहार नौजवान है, इतिहास रिकॉर्ड कर दिया इसने 25 साल की उम्र के अंदर, 25 साल की अवधि के बाद ही MP बनता है, 25 साल की अवधि के बाद ही इसने MP बन गया है। 25 साल का MP होने के बाद 5 साल इसने पार्लियामेंट के अंदर अपने बहुत हरियाणा के और देश के मुद्दे उठाए और फिर उसके बाद अब 31 साल की जब उम्र हुई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। तो ये आखिर क्वालिटी है, गुण है, तभी हासिल किए हैं इतने बड़े 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 पदों के ऊपर जा कर के, जिम्मेवारी भी खूब निभा रहे हैं, एक आदर्शवादी नेता है। जो साहब, आप सदन के सबसे सीनियर नेता हैं और दुष्यंत आपके पोते की उम्र के ही हैं, दुष्यंत आपसे सलाह मशवरा इस मामले में लेते ही रहते होंगे। उम्र का सवाल पद के हिसाब से नहीं, जो जहाँ जिसका पद हो, जिसकी पदवी ऊंची हो, तो उसको आदर सत्कार तो वहाँ दिया जाता है, ठीक है, मानता हूँ कि वो मैं बच्चों के समान हैं, परंतु आज वो मुख्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, तो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते उसके जो फैसले हैं वो सोच समझ के कर रहे हैं और बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं। तो सब तकरीबन आपकी जो भी मांगे आप द्वारा मांगी गई उप मुख्यमंत्री से, वो सारी स्वीकार हुई हैं, और भविष्य में जो है आपकी क्या खास योजना है कि गोला को ऐसी सौगात आप देकर जाएं जो सदियों तक याद की जाए? मैं जाऊंगा कहाँ, जाना तो मैंने है नहीं, मैं तो यहीं रहना है। बाकी रहेगी बात ये है कि भी प्रोग्रेसिव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि प्रोग्रेसिव वे से, हर लीडर का ये फ़र्ज है, धर्म है कि इलाके की, देखिए मैं तो एक सेवक के रूप में काम करूं। मैंने कहा था कि भी ये मेरा इलाका गोला, मेरा हल्का विधानसभा ही नहीं, क्षेत्र नहीं, ये कर्म क्षेत्र भी है, कि कर्म के हिसाब से मैं चाहता हूं कि यहाँ कोई ऐसी घटना ना हो कि जिससे हम ये समझें कि भाई हमें कुछ रह गया। अब हौसले के हिसाब से बहुत कुछ हो रहा है और चाहते हैं हम कि इसको एक नया चीका हम बनाएं और गुलाबगढ़ गुलाब उसको गोला को गुलाबगढ़ का रूप देंगे।
चौधरी साहब, एक बात और सुनने में आई थी कि आप चीका को ट्रांसपोर्ट नगर देने की भी सौगात की तैयारी कर रहे हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही मिल जाएगा? ट्रांसपोर्ट नगर तो बस अड्डा, क्योंकि वहाँ ट्रक यूनियन है, ट्रक यूनियन को ज़मीन देनी जो हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, तो म्यूनसिपल कमेटी का 2 एकड़ ज़मीन उनको दिलवा देंगे। और ट्रांसपोर्ट नगर भी हम समय के हिसाब से, जैसे स्थिति होगी उसके हिसाब से बनाएंगे। जी शुक्रिया। तो ये थे चौधरी ईश्वर सिंह, विधायक गुला, जिन्होंने विस्तारपूर्वक बताया कि गुला के विकास को लेकर वे सक्रियता से कार्य कर रहे हैं और ऐसे कार्य वो करना चाहते हैं जो याद किए जाएं। गुला चीका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हम मौजूद हैं चीका में, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं जजपा के जिला युवा अध्यक्ष जगतार माजरी और हल्का गुला के अध्यक्ष जजपा से ही हैं अवतार सीढ़ा। पार्टी द्वारा जो है इस समय विकास कार्य को गति प्रदान करना शुरू कर दिया गया है। चीका में नए बस अड्डे को लेकर स्वीकृति दे दी गई है, विधानसभा में मामला ये उठा था और कई तरह की और भी स्वीकृतियां दी गई हैं, इनसे जानते हैं। जगतार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। हाँ जी, धन्यवाद। जगतार, जो सरकार द्वारा, अब पहले कोरोना काल आ गया था उसमें विकास कार्य नहीं हो पाए, उसके बाद अब कोरोना निकलने के बाद किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, उसमें भी थोड़ी रुकावटें चली हैं, हालांकि किसान भी अपनी मांगें मान रहे हैं, तो विकास कार्यों ने गति पकड़ना शुरू कर दिया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि 1.5 साल के करीब हुआ है सरकार को बने हुए, पहले हम कोरोना की मार में आए, उसके बाद किसान आंदोलन चला जिसके कारण विकास की गति थोड़ी धीमी हुई, और अब जैसे जैसे कोरोना का काल भी ख़त्म हुआ है और विकास कार्यों में गति पकड़नी शुरू हो गई है, उसी प्रकार हमारे विधायक ईश्वर सिंह ने जो जो मुद्दे हमारे विकास गुला हल्का के विकास को लेकर उठाए हैं उन्हें वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये संसद में अब मुद्दा उठाया था कि बस स्टैंड का, और हमारे गुला हलके की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ बस स्टैंड था ही नहीं, अगर कोई छोटा है वो ना के बराबर ही था, अब नई जो हमारे लिए जो बस स्टैंड वो लेके आए हैं उसका जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। जी शुक्रिया। अवतार सीढ़ा से बात करते हैं। अवतार, आपने बहुत मेहनत की है, जिस समय चुनाव था उसके बाद पार्टी के आपके यहाँ पूरे ज़िले में कैथल से एक ही विधायक बने हैं चौधरी ईश्वर सिंह, और विकास ने अब धीरे धीरे गति पकड़ी है, इस बीच किस तरह के कार्य जो हैं वो हुए अंगुला में? कपिल जी, आपने देखा होगा कि पिछले समय से जिस तरह से हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी और हमारे जो विधायक हैं अंगुला से चौधरी ईश्वर सिंह जी, ये लगातार आपस में तालमेल बना के लगातार गुला हल्का को एक से बढ़कर एक सौगातें दे रहे हैं, जिसमें आपके सामने गुला में जो चक्कू में जो एक नया कॉलेज का निर्माण सबसे पहले इसमें शुरू हुआ, उसके बाद जो बाईपास था जो कि चीका के लिए एक बहुत ज़रूरी था और शहर के अंदर बहुत एक समस्या भीड़ भाड़ वाली रहती थी, तो नया बाईपास भी जो दुष्यंत जी ने और विधायक ईश्वर सिंह की मेहनत से जो मंजूर हुआ है, ये भी एक अपने आप में उपलब्धि है। उसके अलावा बस स्टैंड का आपको पता है एक नई घोषणा हुई है जो गुला क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी लाइफलाइन है। अवतार जी, अक्सर जब भी कोई विकास कार्य को मंजूरी मिली है, आमतौर पर पूर्व विधायक कुलंत बाजीगर, क्योंकि बीजेपी से संबंध रहा है, हर बार उन्होंने यही कहा कि ये मंजूरी तो उन्होंने करवाई थी, तो फिर अगर वो मंजूरियां उन्होंने करवाई थी तो मौजूदा विधायक ने क्या करवाया? ऐसा है, जब कुलवंत बाजीगर विधायक थे तब तो जो काम हुए हैं हम उनका श्रेय उनको दे सकते हैं, लेकिन अगर आज के कामों में भी, आज तो वो विधायक नहीं है, इस बार तो उनको शायद टिकट भी नहीं मिली थी, अब तो मेरे ख्याल से उनको पिछले ही सपने आ रहे हैं, कोई उनको ही वो शायद नींद से अभी जागे नहीं है मेरे ख्याल से। जी शुक्रिया। हमारे साथ श्याम सिंह माजरी जुड़ चुके हैं। श्याम सिंह, आप क्या कहेंगे विकास कार्यों को लेकर? बहुत बढ़िया है जी, जो बस स्टैंड पास हुआ हमारे गुला हल्का के लिए बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया। तो ये थे जगतार माजरी, अवतार सीढ़ा और श्याम सिंह माजरी, जिन्होंने हमें बताया कि चीका में जो विकास कार्य, गुला क्षेत्र में विकास कार्य चल रहे हैं और अभी और भी बहुत से विकास कार्य होने हैं। इसी मामले में हम गुला के विधायक ईश्वर सिंह से भी बातचीत करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे, दिखाएंगे कि वो क्या कहेंगे।